समझो मजामा भाई, लोग पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लॉरेंस बिश्नोई के भांजे और मूसेवाला के कातिल सचिन बिश्नोई की। उस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ वादा किया था, तो बिड़ो आज का वीडियो आज तक का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आज मैं गुज्जू भाई जो जानकारी देगा, ऐसी जानकारी किसी ने ना दी होगी। मतलब कि आप जानते हो सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करने के वास्ते किस तरह की प्लानिंग बनी थी। अरे मामा, अपन छाती ठोक के बोलता है, आपने पूरा वीडियो देख लिया तो समझ लो आपके खोपड़े का फ्यूज ढीला हो जाएगा। आज हम बात करेंगे पूरी प्लानिंग कहां से बनी, जो शूटर आए थे उसको हायर किसने किया था, मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कितने लोग एकजुट हुए थे, फिर वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे कहां कहां गए, किस किस राज्य में पनाह ली, इन हत्यारों की मदद किसने की, सो बात की एक बात, एक एक पहलू पर बात होएंगी, वो भी टाइमिंग के साथ। तो आज का एपिसोड पूरा देखना मंगता। तारीख 28 मई सुबह ठीक 11 बजे गोल्डी बराड़ का फोन प्रियवर्त भोजी के मोबाइल नंबर पर आता है। गोल्डी बोलता है, सुन भोजी, मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई और अब तुझे बाकी छोकरे लोग के साथ कल ही यानी 29 मई को हर हाल में काम को अंजाम देना है। इधर फौजी बोलता है, जी डॉक्टर, काम हो जाएगा, अपने पंटर लोग तैयार है। अरे मामा, यहाँ एक बात बता दूँ तो सुनो बिड़ो, लॉरेंस गैंग के लोग गोल्डी बराड़ को डॉक्टर से पुकारते हैं। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि गैंग के लोग मानते हैं कि गोल्डी के पास हर चीज का इलाज है, उसका खोपड़ा एक डॉक्टर की तरह शांत और शातिर है। खैर 29 मई की सुबह 10 बजे प्रियवर्त भोजी अंकित केशव हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे। वहां रुकने की जगह नवदीप ने उपलब्ध करवाई थी। वहां से सभी मानसा के लिए बोलेरो कार से चल पड़े। फिर 10:30 बजे दीपक मुंडी और कशिश हरियाणा के हिसार की एकलाना मंडी से बोलेरो के साथ जुड़ गए। ये दोनों हिसार में राजेंद्र के यहाँ रुके थे। फिर ये लोग 11:30 बजे हरियाणा के उकलाना से मानसा की ओर रवाना हुए। इसी बीच गोल्डी ने भोजी को फोन किया और बोला, तुम सब मानसा से 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर पहुंच जाना। 29 मई शाम गोल्डी के कहने पर हरियाणवी शूटर मानसा के उस ढाबे पर पहुंच गए और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब के खूंखार शूटर मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच गए। 29 मई शाम 4:30 बजे गोल्डी ने फिर शूटरों को फोन किया और बोला, सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया और तुम लोग जल्दी उसके घर के लिए निकलो। सिद्धू निकलने वाला है, क्योंकि सचिन बिश्नोई का साथी केकड़ा मूसेवाला के गेट पर खड़ा था और पल पल की जानकारी गोल्डी को दे रहा था। इसके बाद ढाबे से शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गई। केवल केशव उसी ढाबे पर रुका, क्योंकि प्लान के मुताबिक हत्या के बाद सभी को उसी ढाबे पर मिलना था। इधर शूटरों की एक गाड़ी मानसा गांव के पहले मानसा चौक पर रुक गई। गोल्डी ने फिर फोन किया, मूसेवाला घर से निकल गया है ब्लैक कलर की गाड़ी में, बिना सुरक्षा के जल्दी जाओ। कुछ ही देर में मूसेवाला की थार ने शूटरों की बोलेरो को क्रॉस किया। फिर शूटरों की दो गाड़ियां मूसेवाला के पीछे लग गई। अब मानसा चौक पर खड़ी तीसरी गाड़ी भी मूसेवाला की थार को फॉलो करने लगी थी। एक वक्त शूटरों को लगा, जिस तरह रेकी के वक्त मूसेवाला जिस नहर के रूट का इस्तेमाल घर से निकलकर आगे जाने के लिए करता था, आज भी वही रूट लेगा। लेकिन उस रोज नहर रूट ना लेकर मूसेवाला की थार सीधे चल रही थी। फिर आगे चंद मिनट में मूसेवाला समेत उसकी थार को गोलियों से छल्ली कर दिया गया। भाई लोग, मूसेवाला शूटआउट की कहानी खुद दिल्ली पुलिस अपने कैमरे में बयां कर चुकी है। इधर हत्याकांड के बाद गोल्डी ने फिर फौजी को फोन लगाया और बोला कि तुम लोग फतेहाबाद जाओ, जहां राम निवास नाम का बंदा तुम्हें रिसीव करेगा। राम निवास तुम लोग को एक होटल ले जाएगा। 29 मई रात 10:30 बजे शूटर सावरिया होटल पहुंच गए। वहां सभी ने बियर पी और रात वहीं गुजारी। 30 मई को सचिन भिवानी और कपिल पंडित क्रेटा कार से सावरिया होटल पहुंचे और फिर शूटरों ने होटल छोड़ दी। क्रेटा कार सचिन भिवानी चला रहा था, उसमें कपिल पंडित, अंकित, फौजी, केशव सवार थे। कुछ देर चलने के बाद किशन नाम का एक बंदा रिट्स कार लेकर आया। कपिल पंडित और केशव उसमें स्विफ्ट हो गए। दोनों गाड़ियां रोहतक हाईवे पर हांसी गांव में जाकर रुकी। वहां रुकने का इंतजाम केशव गुर्जर ने किया था। 31 मई को केशव, कशिश, दीपक मुंडी,
भिवानी के तोसना गांव में जाकर रुक गए। एक जून को कपिल पंडित ने इन दिनों के वास्ते एक ट्रक का इंतजाम किया। उसमें सवार होकर ये लोग अहमदाबाद निकल पड़े। इसी बीच गोल्डी का फिर भोजी को फोन आया। उसने कहा, सुनो भोजी, तुम 6 हथियार विनीत और बब्बन को सौंप दो। भोजी ने 6 हथियार बब्बन को सौंप दिए। इसके बाद भोजी, अंकित, सचिन और कपिल ने एक दूसरा ट्रक पकड़ा राजगढ़ हाईवे से, और 2 जून को दोनों ट्रकों से सवार ये लोग अहमदाबाद पहुंचे। फिर वोल्वो बस से रात 10 बजे मुंद्रा पोर्ट पहुंचे। वहां आशीष नाम के एक बंदे ने एक प्लेट का इंतजाम किया था। 10 जून को ये सभी छोकरे लोग मुंद्रा के अलग अलग प्लेट में शिफ्ट हो गए। भाई लोग मुंद्रा से ये लोग गिरफ्तारी के डर से भागते फिरते, कोई पकड़ा जाता कोई बच जाता। इस तरह ये लोग अलग अलग होते गए और अलग अलग जगहों से पुलिस के हत्थे चढ़ते गए। इधर मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा खरड़ होते हुए लुधियाना से मानसा पहुंचे, फिर अटारी बॉर्डर पहुंचे जहां एनकाउंटर में ढेर हो गए। कहने का मतलब, मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में सैकड़ों लोग शामिल थे। ग्राउंड पॉइंट पर वारदात को अंजाम देने वाले तो थे ही, लेकिन इनकी मदद करने वाले भी सैकड़ों लोग थे। तो फिर सोचो, गोल्डी बराड ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के वास्ते किस लेवल तक का दिमाग यूज किया होगा। और हाँ, इस केस से जुड़े और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड को काफी समय बीत चुका है, फिर भी आज तक गिरफ्तारी का दौर जारी है। तो मेरे वीरो, जितना मुझे समझ में आया उतना आपको समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ दी गई जानकारी में कोई गलती हो गई तो माफी चाहता हूँ। चलो, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।